खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। लेकिन यह स्टेडियम की बदहाली को देख करके ऐसा लग नहीं रहा है। मधुबनी का यह स्टेडियम शहर का गौरव रहा है, लेकिन आज की जो दयनीय अवस्था है यह अपनी बदहाली पर रो रहा है। बीजेपी के 4 टर्म के सांसद यहाँ के रहे हैं और वर्तमान में भी यहाँ के सांसद बीजेपी के ही हैं, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता की वजह से यह बदहाल हो चुका है, अपनी दयनीय अवस्था पर रो रहा है। जी हाँ, यह स्थिति स्टेडियम की बदहाली दिन पर दिन देखा नहीं जा रहा है। हर चुनाव में इसका प्रमुखता से इस्तेमाल किया जाता है। पूरा स्टेडियम जर्जर हाल में आ गया है और उसका मैदान नरकीय और जंगल बन चुका है। इतना ही नहीं, अब बदहाल हो चुके स्टेडियम में अराजक तत्वों का अड्डा बन चुका है। शराब धंधेबाज से लेकर के तमाम आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का जमावड़ा यहाँ होता है। यहाँ पहले हुई छापेमारी में इसका खुलासा भी हो चुका है। यहाँ से चोरी की जनरेटर, आर्म्स और अन्य सामग्रियां भी बरामद की जा चुकी है। बदहाल हो चुके स्टेडियम की सूरत बदलने की उम्मीद भी अब लोग खोने लग गए हैं। कई मोहल्ले के लोग खुले में शौच के लिए स्टेडियम परिसर में जाते थे। इसके गंदगी के कारण वहां दूर से ही दुर्गंध आता है। शहर के लोग स्टेडियम वाले रास्ते से आना जाना भी अब पसंद नहीं करते हैं। अब खेल प्रतियोगिता के लिए अब उन्हें पंडोल का रुख अपनाना पड़ता है। तो यही हाल है बिहार के स्टेडियम का और मधुबनी के स्टेडियम का। जिस तरीके से बढ़ेगा इंडिया तभी तो खेलेगा इंडिया, यह जो नारा दिया गया था कि खेलेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, दोनों उलट फेर नजर आ रहा है।